Hello students, today we will start the second part of chapter transport in plants. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में. ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर फ्लो भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस होता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज की होती है. ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है कि सुक्रोज होती है, मीन्स क्या कह रहा है कि सुगर होती है. ठीक है, तब क्या कह रहा है कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम होता है वो किसके द्वारा होता है? मास फ्लो हाइपोथेसिस के द्वारा होता है. उसको कौन हेल्प करता है? सोर्स और सिंक. सोर्स हमारे पास क्या है? लीफ है. ठीक है, लीफ है. और सिंक क्या है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, मतलब हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज क्या है? सुगर है. जो भी मास फ्लो हाइपोथेसिस होता है इसमें ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा? सुक्रोज में चेंज हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि सुक्रोज किसमें मूव कर रहा है? मतलब जो फ्लोएम ट्यूब सेल्स थी उसमें क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है. किसके थ्रू कर रहा है? जो कंपेनियन सेल्स थी इसके थ्रू क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है. ठीक है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि जब ये सुगर की लोडिंग होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि फ्लोएम में हाइपरटोनिक कंडीशन को क्या कर देती है? क्रिएट कर देती है. ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है कि जो वॉटर होता है, ठीक है, वो किसमें मूव करेगा? फ्लोएम में करेगा. किसके प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू. अब बात आती है कि भाई जो ये वॉटर था वो किसके मतलब कहाँ से आया? जो एडजेसेंट जेलियम था वहां से क्या आया कि वो वॉटर आया और किसमें मूव कर रहा है? फ्लोएम में कर रहा है, बाई दी हेल्प ऑफ द ऑस्मोसिस. अब क्या कह रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज कहाँ होगा? फ्लोएम सैप में होगा. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो फ्लोएम सैप है, ठीक है, सुगर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल. तब क्या कह रहा है कि फ्लोएम सैप से क्या कह रहा है कि जो सुगर्स होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. किसमें हो जाएगी? सेल्स में. विच विल यूज सुगर्स कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी स्टार्च. अब क्या कह रहा है कि सुगर को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एनर्जी स्टार्च या सेलुलोज में. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या हो जाएगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर वहां क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था. अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और सुगर का क्या हो जाएगा? रिमूव आउट हो जाएगा. वाटर का भी क्या हो जाएगा? रिमूव आउट हो जाएगा. ठीक है, मीन्स मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या है कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये देखो कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है तो भाई ये इसकी क्या है? लीफ है. लीफ में क्या होता है कि भाई लीफ में सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस हो रही है. तो फोटोसिंथेसिस होती है तो हमारे पास क्या आता है? C6H12O6. ये क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज होता है. हमारे पास क्या कह रहा है कि जो लीफ है वो तो क्या है? सोर्स है. ठीक है, जो डिफरेंट क्या कह रहा है कि प्लांट्स के पार्ट है ये क्या है? सिंक है. लाइकेंस देखो, जो एपिकल सूट है, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास सिंक है. ठीक है, स्टेम क्या है? हमारे पास सिंक है. ठीक है, जो रूट्स है वो क्या है? सिंक है. फ्लोर है वो क्या है? सिंक है. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो फूड है उसको कहाँ पहुंचाना है? मतलब लीव से लेके कंप्लीट प्लांट के पार्ट तक पहुंचाना है. तो ठीक है, तो सेकंड मतलब सबसे पहले तो क्या आएगा भाई? जो ग्लूकोज था सुक्रोज में चेंज हो गया. अब सुक्रोज क्या कह रहा है कि फ्लोएम ट्यूब सेल्स में क्या करेगा? मूव करेगा. किसके थ्रू? कंपेनियन सेल्स के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. उसके बाद क्या कह रहा है कि सुगर की लोडिंग होगी और क्या करते हैं कि हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट कर देगी. किसमें? फ्लोएम में. अब क्या कह रहे हैं कि वॉटर होता है किसमें होता है? एडजेसेंट जाइलम्स में. वो क्या करेगा? मूव कर जाएगा. किसमें? फ्लोएम में, बाय द हेल्प ऑफ द ऑस्मोसिस. अब क्या कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा. कहाँ हो जाएगा? फ्लोएम सैप में हो जाएगा. उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फ्लोएम सैप से क्या होगा कि जो सुगर्स का एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होगा किसमें? सेल्स में. और उसको क्या किया जाएगा? इस सुगर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा. किसमें? एनर्जी में, या मतलब स्टार्च में, सेलुलोज में. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था कहाँ वो इंक्रीज हो था? फ्लोएम सैप में. वहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज होने के बाद क्या होगा? सुगर भी रिमूव आउट हो जाएगा, वाटर भी रिमूव आउट हो जाएगा. ये क्या था? मास फ्लो हाइपोथेसिस. अब बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. फर्स्ट थिंग आते हैं बेस जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं कि पोर्स टाइप स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, तो अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या कह रहा है कि ये गार्ड सेल्स है. ये येलो कलर में क्या है कि गार्ड सेल्स है. अंदर ये एक पोर दिखाई दे रहा है, स्टोमेटल अपर्चर भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? स्टोमेटा पोर भी. अब देखो जो गार्ड सेल्स में ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है? माइक्रोफिब्रिल्स. तो अब आप बात आते हैं कि भाई जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो गार्ड सेल्स होती है उनके ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब मतलब जो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी में क्या आता है कि चेंजेस आते हैं, तो तब क्या कह रहा है कि वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होती है. ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है? चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स.
तो क्या कह रहे हैं, जो इनर वॉल होती है, ठीक है, इनर वॉल किसकी, गार्ड सेल्स की, वो कैसी होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, किसकी तरफ होती है, जो स्टोमेटल अपर्चर होता है उसकी तरफ होती है, ठीक है, जो गार्ड सेल्स, ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स है, ठीक है, अब इनकी इनर वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जब टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो दोनों गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि फ्लैंकिंग करती है, ठीक है, दोनों गार्ड सेल्स क्या करती है कि फ्लैंकिंग करती है कहां पे, स्टोमेटल पोर की तरफ। फिर क्या कह रहे हैं, जो थिन आउटर, क्या कह रहे हैं कि जो ये देखो, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जो थिन आउटर वॉल्स होती है वो ब्लज आउट कर जाएंगे और क्या करते हैं, जो फोर्स क्या किसको करते हैं कि जो इनर वॉल्स है, ठीक है, इनको क्या करेंगे भाई, तो कैसे शेप में आ जाए, फ्री स्टैंड शेप में आ जाए, ठीक है। मीन्स क्या कह रहे हैं कि टर्जिडिटी इंक्रीज हो रही है तो जो इनर वॉल्स होती है, ठीक है, ये इनर वॉल्स क्या करते हैं, फ्लंकिंग करते हैं। जब ये इनर वॉल्स फ्लंकिंग करते हैं तो क्या कह रहे हैं, जो आउटर वॉल्स होती है ये क्या करते हैं कि ब्लज आउट कर देती है और क्या करती है कि भाई इनर वॉल्स को क्या करते हैं कि भाई तू कैसे सेफ में आ जाए, प्लीज स्टैंड सेफ में आ जाए। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ओपनिंग और स्टोमेटा किसके कारण भी होती है, जो ओरिएंटेशन किसकी होती है, माइक्रोफिब्रिलरी की होती है, उसके कारण भी क्या होते हैं कि ओपनिंग और स्टोमेटा होती है। सेकेंड क्या कह रहा है कि जो ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स इन सेल वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो ये क्या कह रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स होती है इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, ये माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, और इनमें क्या होते हैं कि ओरिएंटेशन होते हैं, उसके कारण भी क्या कह रहे हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है कि ओपन होता है। जब क्या कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स क्या कह रहे हैं कि वाटर को लूज कर देती है, ठीक है, तो वाटर को क्या करते हैं कि लॉस करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि इलास्टिक इनर वॉल रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ये जो इनर वॉल हुई थी, ये क्या कह रहा है कि क्रिसेंट शेप की आई थी, ठीक है, क्रिसेंट शेप की आ गई थी। अब क्या कह रहा है कि जब इसमें वाटर का लॉस हो जाता है तो ये अपनी दोबारा क्या करेगी, सेम पोजीशन गेन कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये क्या था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब बात करते हैं एपोप्लास्ट पाथवेज की और सिम्प्लास्ट पाथवेज की, मेन इन दोनों के बीच में क्या है कि डिफरेंस क्या है। तो क्या कह रहा है जो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या कह रहा है कि किसका सिस्टम होता है, एडजेस्टेंट सेल्स का सिस्टम होता है, मतलब जो प्लांट की थ्रू आउट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, किसको छोड़ के, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है कि सिस्टम किसका होता है, एडजेस्टेंट सेल्स का सिस्टम होता है, थ्रू आउट प्लांट रहता है, बट मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को छोड़ के, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी होती है, एंडोडर्मिस के। और सिम्प्लास्ट की बात करते हैं, तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि किसका सिस्टम होता है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का होता है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, जो साइड वाले सेल्स होती है, ठीक है, जो इसके पड़ोसी सेल्स होती है, नेबरिंग सेल्स होती है, वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है कि फोर टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें एपोप्लास्ट पाथवे में मूवमेंट ऑफ वॉटर थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ सेल्स। अब क्या कह रहा है कि इसमें वॉटर की मूवमेंट होती है किसके थ्रू होती है, जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं उसके थ्रू होती है, जो सेल्स की वॉल्स होती है उसके थ्रू होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मीन्स क्या कह रहा है कि कोई भी क्रॉसिंग नहीं होती सेल मूवमेंट में, ठीक है। जब मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें क्या कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसके थ्रू क्या कह रहा है कि ये फ्लो हो रहा है इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू और क्या कह रहा है कि वॉल्स ऑफ सेल्स के थ्रू। अगर हम सिम्प्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वॉटर एंटर करता है किसके थ्रू करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो मूवमेंट होती है एपोप्लास्ट पाथवे में किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है, बट जो सिम्प्लास्ट पाथवे में होता है वो क्या करता है कि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एडिड नहीं होता है किसके द्वारा, बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, बट जो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या कह रहा है कि ये एडिड हो सकता है किसके द्वारा, बाय द स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये क्या था डिफरेंस बिटवीन द एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। अब बात करते हैं किसके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। ये स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। वाटर पोटेंशियल में मतलब क्या कह रहे हैं कि एक होती है सॉल्वेंट, ठीक है, एक होता है सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और क्या कह रहे हैं जो सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहा गया है कि वाटर पोटेंशियल, मींस द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट एंड द क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन की क्या कह रहा है जो फ्री एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है,
the difference between the free energy molecules of the water molecules of solvent and the free energy of water molecules of solution, उसको हम क्या बोलते हैं कि water potential बोलते हैं. ठीक है, सिंपल सी बात है, solvent के water molecules की free energy और जो solution के water molecules की free energy, उसके बीच में जो difference आता है उसको हम क्या बोलते हैं, water potential बोलते हैं. ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि hypertonic solution में क्या कह रहे हैं कि water potential कैसा है, low है. ठीक है जी, मतलब हमने क्या किया कि रखी, ठीक है, हमारे पास लगा लो कैसा है सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब हमने क्या किया कि इसमें सेल को रख दिया, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. मीन सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. ठीक है, क्यों हो जाएगी, बिकॉज सेल ने क्या कर दिया कि वाटर का लॉस कर दिया. ठीक है, सबसे पहले कहां से लॉस होगा, साइटोप्लाज्म से, फिर फैक्यूल से. ठीक है, तो जब मतलब सेल होती है वाटर का लॉस करती है तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस. और इस हम प्लाज्मोलिसिस भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं प्लाज्मोलाइज सेल. अगर अब देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हाई वाटर पोटेंशियल होता है. अब क्या कह रहा है कि हाई वाटर पोटेंशियल मीन्स अगर हम मतलब सेल को रखते हैं किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. ठीक है, तो सेल क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब फूल जाएगी. फूल क्यों जाएगी भाई, सेल ने क्या कर लिया कि वाटर का अब्जॉर्प्शन कर लिया. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वाटर विल डिफ्यूज इनटू सेल. वाटर किसमें डिफ्यूज कर रहा है, सेल में कर रहा है. क्या काज करेगा, साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अ प्रेशर. अब क्या कह रहा है कि साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, प्रेशराइज कर रहा है भाई, को क्या करेगी, प्रेशर का बिल्डअप कर, किसके अगेंस्ट, सेल वॉल के अगेंस्ट. और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं कि ट्रैगर प्रेशर. ठीक है, देखो हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी. फूलने के बाद क्या कह रहा है कि जो वाटर होता है किसमें डिफ्यूज कर रहा है, सेल में डिफ्यूज कर रहा है. और साइटोप्लाज्म को प्रेशराइज कर रहा है भाई, तो एक प्रेशर जनरेट कर, किसके अगेंस्ट प्रेशर जनरेट कर, सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर जनरेट कर. और इसको हम, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ट्रैगर प्रेशर. तो ये क्या था किसके बीच में डिफरेंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब बात करते हैं कोहेसेंट टेंशन ट्रांसमिशन फूल थ्योरी के बारे में. इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो क्या होता है, जेलम का काम क्या होता है कि रेन वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, जेलम का काम क्या होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है. तो मतलब देखो अब भाई वाटर का क्या है कि मतलब रूट से ही तो जाएगा कंप्लीट उसमें प्लांट्स के पार्ट में. तो जब क्या कह रहा है कि जब मतलब रूट से क्या कह रहा है कि ऊपर की तरफ पानी जा रहा है. ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट करने का क्या कह रहा है कि जो वाटर है, वाटर की मूवमेंट क्या हो रही है, अपर साइड की तरफ हो रही है. इसलिए इसको क्या बोला गया है कि कोहेसेंट टेंशन ट्रांसमिशन थ्योरी. मींस क्या है कि भाई रूट क्या करती है, वाटर का अब्जॉर्प्शन करती है. वाटर का अब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या करती है, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करती है. ये अपवर्ड मूवमेंट क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट हो जाता है. उसके कारण क्या कह रहा है कि वाटर की मूवमेंट होती है कहां से, रूट से लेकर ऊपर एपिकल रूट तक. ठीक है, इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, कोहेसेंट टेंशन ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी. अब बात करते हैं माइक्रोराइजन एसोसिएशन से. ठीक है, फर्स्ट थिंग आते हैं माइक्रोराइजे क्या है. माइक्रोराइजे एक फंगस होता है. ठीक है, इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ होता है, रूट के साथ होता है. ठीक है, अब बात करते हैं भाई माइक्रोराइजे मतलब किसमें हेल्पफुल होता है, ये क्या किसमें हेल्प करता है कि जो अब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर और मिनरल्स का इन प्लांट्स में. ठीक है, उसमें क्या करता है कि ये हेल्प करता है. ठीक है, अब वही है कि भाई जो फंगस है उसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होती है कि रूट सिस्टम के साथ होती है. ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो फंगल हाइपोफिलामेंट है. ठीक है, जो फंगल हाइपोफिलामेंट है ये क्या फॉर्म करता है, नेटवर्क की फॉर्मेशन करता है, किसके अराउंड करता है, जो यंग रूट होती है उसके अराउंड करता है. और क्या कह रहा है कि पेनिटेट इसको क्या करेगा, पेनिटेट क्या करेगा, डीप करेगा. और क्या किसमें, रूट सेल्स में. ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो फंगस होता है, जो माइक्रोराइजी है, उसके पास क्या कह रहा है कि जो लार्ज सरफेस एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण क्या करता है कि ज्यादा अब्जॉर्प्शन किसका करता है, वाटर का और मिनरल्स का, किसके कंपैरिजन में, रूट के कंपैरिजन में. ठीक है, मीन क्या कह रहा है कि रूट क्या करते हैं कि लेस अब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, वाटर और मिनरल्स का. बट क्या कह रहा है, जो फंगस होता है इसका लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण क्या करता है कि ये ज्यादा अमाउंट में क्या कह रहा है कि अब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर का और मिनरल्स का. ठीक है, ये किसके बारे में था, माइक्रोराइजल एसोसिएशन के बारे में. अभी क्या हो गया कि चैप्टर फिनिश हो गया है.